व्यवस्था विवरण अध्याय 27। व्यवस्था विवरण अध्याय 27। फिर इसराइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबको मानना, और जब तुम यर्दन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश के तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें तू दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है उन्हें तुम यर्दन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उन पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वही मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को शुद्ध रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा कि हे इस्राएल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम यर्दन पार हो आओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बन्यामिन ये गिरिज्जिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए, और रूबेन, गाद, आशेर, जुबलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवी लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहे कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाना और खुदवाकर और ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी पिता व माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवानों को हटाए। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ व विधवा का न्याय बिगाड़े। तब लोग सब मिलकर कहे आमीन। शापित हो वह जो अपने सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघारता है। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, उससे कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहे आमीन।